गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल में। आज मैं तैयार हुआ हूं शुभम में शादी के लिए। एक शादी है, शादी का न्योता है, तो शादी में जा रहा हूं और आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूं शादी का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी भाई बहन पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं, उन सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में जो बेल आइकॉन का निशानी है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आगे भी इसी तरह आप लोगों को मेरे नए नए वीडियो आते रहें। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। ये है जी होटल शुभम। बारिश से बचने के लिए एक डोम सा बनाया है, बहुत बड़ा डोम बनाया हुआ है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है अंदर। एक साउंड प्रूफ हॉल भी है, अगर आप देर रात तक भी नाचना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आराम से नाच सकते हैं, नहीं तो डीजे 10 बजे के बाद बंद है, इस करके साउंड प्रूफ हॉल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर वीडियो में। ये है जी शागुण वाला एरिया। आज जो भी रिश्तेदार आएंगे, सबसे पहले उनको यहीं से टोपी और फूल पहना के स्वागत किया जाता है, और उसके बाद चाय पानी के लिए ले जाया जाता है अंदर। यह है होटल शुभम का डोम, जिसका मैं पहले भी चर्चा किया था आपको आपके साथ। और यह है जी चाय डिपार्टमेंट, यहाँ से चाय तैयार होके सर्व होता है। और यह है शादी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट, बार वाला एरिया है, यहाँ पर आपको बियर, शराब, ठंडा, दारू सब कुछ मिल जाएगा। और यह है जी शुभम का हॉल, साउंड प्रूफ हॉल है ये। शागुन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ आना होता है, यहाँ आपको चाय और हलवा पूरी सर्व किया जाता है। उसके बाद आप बाहर वेज नॉन वेज जो मर्जी बाहर जाके खा सकते हैं, शराब आदि पीना हो तो बाहर पी सकते हैं। ये है जी हमारी भाषा में जिसे तवाची करना बोलते हैं, लड़के वाले आते हैं इसमें, लड़की वाले के घर में कुछ एक शराब की बोतलें और घी का मरपिट लेके आते हैं, और जो इनका लाया हुआ जो वो सारे जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं उनमें बांटा जाता है। ये है मरपिणी जो सत्तू और शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। सबसे पहले इसका भोग, यहाँ जितने भी आए हैं वो सब लोग भगवान को इसका भोग चढ़ाएंगे, और उसके बाद इसको जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं उनमें बांटा जाएगा।